देखिए, ये सरकार 2018 की कमल वाली सरकार बनी थी, 2018 के बाद जो सरकार गिरी है ये नोटों की सरकार है। उन्हें करोड़ों अरबों रुपए देके अपने मंत्री बनाने के बाद ही सरकार बनी है। केंद्र में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री बना दिया, स्टेट के अंदर उनके जो हमारे विधायक गए थे उनको मंत्री बना दिया। ये नोटों की सरकार है, अब वोटों की सरकार नहीं। वोटों की सरकार कमलनाथ की सरकार थी, 2018 में वोटों की सरकार बनी थी। तो कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने जो काम करने दिखाया ये 15 साल में नहीं कर पाए। इनको सत्ता का इतना वो हो गया है कि इन्होंने नोटों खरीद के सरकार बनी, जनता जान रही है। और 2023 के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस 150 सीट जीतेंगे, क्योंकि जनता जान रही है जो काम कमलनाथ ने करके दिखाया। वो वाले किसान की बात हो या कर्जे की माफ हो या बिजली की बात हो या व्यवहार की बात हो या कन्या की वो बात हो, हर चीज में कमलनाथ जी ने करके दिखाया जो आज तक नहीं कर पाए। तो इसलिए नोटों सरकार बनी है और 2023 के अंदर कमलनाथ जी ने 150 सीट बनाई। संजय भैया, जिस तरह देखा जाए विधानसभा चुनाव भी अब तकरीबन पास आ चुके हैं और बीजेपी भी अब लगातार जो कांग्रेसी विधायक है उनको ऑफर दे रही है, आपको भी किस तरह का ऑफर मिला? जिसको जाना था वो लोग चले गए, अब कोई नहीं बचा। अब कांग्रेस के अंदर वही लोग बचे जो कांग्रेस के साथ में, जिसको बिकना तो बिक गए। बिकने के बाद अब 18 में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। क्यों टिकट नहीं मिलेगा? क्योंकि उनको मालूम है उनने करोड़ों रुपये लेकर पार्टी चेंज करी है। वो जनता ने उनको कांग्रेस के लिए चुना था, परंतु भारतीय जनता पार्टी चले, जनता का जनता जवाब एक ही बार देती, 5 साल में एक बार मौका आता है, 2023 में मुंह तोड़ जवाब।